ओके, आई एम अंतु कुमार फ्रॉम क्लास 9th। मैंने ड्रोन स्टडी का पेन ड्राइव मैंने परचेज किया था अप्रैल के महीने में। एक्चुअली देख, मैं मैथ्स में एक्चुअली मैं बहुत वीक था। ओके, वीक था, अभी हूँ नहीं। मैं मैथ्स में बहुत बहुत ज़्यादा वीक था। देखिए, एफ ए वन का मेरा एग्ज़ाम हुआ था, मुझे अभी भी याद है। एफ ए वन का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे मात्र 20 में से ओनली 3 मार्क्स आए थे, ओनली 3 मार्क्स। और धीरे धीरे मतलब कि प्रोग्रेस हुआ, मनी टेस्ट ये सब तो होते ही रहता है। हाँ, धीरे 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 करके मेरे मार्क्स इंक्रीज होने लगे, क्योंकि मैं जैसे कि मेरे पापा भी मुझे बताते हैं, भैया भी मुझे बताते हैं कि प्रोग्रेस करो, दूसरे से अच्छा नंबर लाना या बुरा नंबर लाना ये कोई डिपेंड नहीं करता, आप प्रोग्रेस करो, यही बहुत बड़ी बात है। मैं ड्रोन स्टडी को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहता हूँ कि एफ ए वन में मेरे जो 3 मार्क्स आए थे, उसके बाद मेरा एफ ए थ्री में जो अभी मैंने एग्ज़ाम दिया है उसमें मेरे 17 नंबर आए हैं मैथ्स में। जी हाँ, मैथ्स में मेरे 17 नंबर आए हैं, साइंस में 16 है। और जैसे कि मैं जानता हूँ कि मेरा मैथ्स तो बहुत वीक था, वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। हाँ, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो वो तो बहुत अच्छा है। जितने भी जैसे कि सर हैं या मैम हैं, ये लोग जिस तरीके से मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इम्प्रूवमेंट अभी हो ही रहा है। और मैं इतना मतलब कि मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि मैं चाहूँगा कि क्लास 10th में भी मैं ड्रोन स्टडी से ही पढ़ूँ। और हाँ, एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ता। जी हाँ, मैं ट्यूशन तो नहीं पढ़ता, और मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे बिना ट्यूशन के, हाँ, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के द्वारा। तो आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम इट, सो थैंक यू।